हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी। रेडी? सी, दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आपकी टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 है ना, ये तीन चैप्टर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं आपको अगर वेटेज बताऊँ ना, तो हमारी बुक में पार्ट 1 में टोटल चैप्टर्स है 8, ठीक है, और पार्ट 2 में जो है वो चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट हो रहा है। सो पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1, 2, 3, पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 9, 10 एंड लास्ट वाला जो चैप्टर है सेमीकंडक्टर, मुझे नंबर याद नहीं है, आई थिंक 14 होगा, ठीक है। टोटल 6 चैप्टर्स, 1, 2, 3, 9, 10 एंड लास्ट वाला पार्ट 2 में। ये तीन चैप्टर्स का स्कोर कितना पता है इनका वेटेज? आप शॉक हो जाओगे। हमारा जो बोर्ड का एग्जाम होता है ना, बोर्ड के एग्जाम में 50 मार्क्स एमसीक्यू के होते हैं और 50 मार्क्स थियोरी के होते हैं। उसमें से ये जो थियोरी पोर्शन है ना 50 मार्क्स, उसमें से 30 मार्क्स सिर्फ ये चैप्टर्स में से ही आते हैं। मतलब कि अगर ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, बट अगर किसी को ऐसा हो रहा है कि भाई पास ही होना है, सिर्फ ये तीन, ये 6 चैप्टर्स भी कर लोगे ना, तो 30 मार्क्स तो सिर्फ थियरी पोर्शन के। 50 MCQ में भी इसका वेटेज ज़्यादा होता है, आई थिंक 20-22 मार्क्स का वेटेज तो इन 6 चैप्टर्स में से ही होता है। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 60 मार्क्स, मैक्सिमम 60 की, अप टू 60, हाँ इतनी तो गारंटी है कि 55 मार्क्स का तो होगा ही होगा पूरा। 100 मार्क्स का जो पेपर होता है उसमें से 55 मार्क्स का तो ये 6 चैप्टर में से ही होगा। तो कुछ नहीं करोगे और ये 6 चैप्टर करोगे तो भी इजिली पास हो जाओगे। हमें पास नहीं होना है, हमें तो सिर्फ हमें स्कोर ही करना है, बट स्कोर भी करना है ना तो ये 6 चैप्टर्स को पहले इंपॉर्टेंस देना। तो चैप्टर 1, 2 तो हमने डिटेल में देख लिया, मैक्सिमम ट्राई किया कि एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको सॉल्व कराऊँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स मैंने आपको सॉल्व करवाया जितने पॉसिबल होते थे उतने। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 थोड़ा लेंथी है। चैप्टर नंबर 3 का, ये तीनों का वेटेज नीट में भी बहुत ज़्यादा है ना। तो अब नीट में कैसा है पता है, नीट में टोटल क्वेश्चन दिए हुए हैं कि भाई 6 से 7 क्वेश्चन ये तीन में से होंगे, फिर वो सारे के सारे 1 के भी हो सकते हैं, सारे के सारे 2 के भी हो सकते हैं, 3 के भी हो सकते हैं, 3 में से 5 और 2 में से 1, कुछ भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन कोई भी हो सकता है, लेकिन ये तीन पूरा एक सिंगल सेक्शन जैसा है नीट में, है ना। बट बोर्ड की बात करें तो ये तीन चैप्टर मिला के आपको 30 मार्क्स हो और ये 6 चैप्टर्स मिला के आपको 30 मार्क्स दे ही देंगे। रेडी? चलो, सो आज हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट से। सो पे अटेंशन, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? बुक में दिया है कि इमेजिन अ स्मॉल एरिया हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। अब मान लो कि मेरे पास कुछ चार्जेस हैं। अब चार्जेस जो है ना वो दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सो व्हाट आई कैन से कि मान लो कि चार्जेस यहां से यहां जा रहे हैं, और ये जो चार्जेस राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं ना वो है पॉजिटिव चार्जेस। अब पॉजिटिव चार्जेस राइट में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्जेस कहां जाएंगे? लेफ्ट में। सो यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, रेडी? और ये जो पाथ है, ये पाथ के बीच में
मैं अगर एक प्लेन डाल दूं ऐसा, सो व्हाट कैन आई से, आई कैन से सम ऑफ द चार्जेस आर पासिंग राइट साइड एंड दीज चार्जेस आर पॉजिटिव चार्जेस एंड सम ऑफ द चार्जेस आर मूविंग टू लेफ्ट साइड एंड आई एम सेइंग दीज आर द नेगेटिव चार्जेस। सो पहले मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, आई विल फाइंड टोटल चार्जेस विच आर पासिंग, टोटल चार्जेस विच आर पासिंग फ्रॉम प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू इट। ये जो प्लेन होता है वो प्लेन में से पास हो रहे हैं और प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ऐसे में टोटल चार्जेस फाइंड करूंगा। भाई कैसे फाइंड कर सकता हूं कि टोटल चार्जेस कितने पास हुए इसमें से, तो टोटल चार्जेस क्या होगा, क्यू प्लस माइनस क्यू माइनस। वही तो मैंने यहां पे माइनस क्यों लिखा है, तो मैंने यहां पे माइनस इसीलिए लिखा है क्योंकि ये वाली डायरेक्शन को मैंने कंसीडर किया है पॉजिटिव और ये वाली डायरेक्शन मैंने कंसीडर किया है नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है ना प्लस क्यू, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे थे तो उसकी डायरेक्शन मैंने लिखी है प्लस, और माइनस क्यू चार्जेस जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे थे तो यहां पर मैंने लिखा माइनस। सो ये मेरा हो गया टोटल चार्ज क्यू। ठीक है, अब ये टोटल चार्ज कितने टाइम में पास हो रहे हैं, द टोटल चार्ज पासिंग फ्रॉम गिवन टाइम, तो ये क्वांटिटी हो गई करंट। कि कोई भी तो एग्जैक्टली करंट की डेफिनेशन क्या हुई, हाउ मच चार्जेस आर पासिंग फ्रॉम द एरिया इन अ गिवन टाइम, मीन्स चार्ज पासिंग फ्रॉम एन एरिया इन गिवन टाइम क्यू बाय टी एंड दिस क्वांटिटी इज नोन एज ए करंट आई। नाउ करंट उसका यूनिट क्या होगा, उसका ऐसा यूनिट होगा एम्पियर, एंड क्यू बाय टी मतलब कूलम पर सेकेंड, ये दोनों उसके ऐसा यूनिट्स हैं। अगर किसी भी प्लेन में से जितने प्लस क्यू राइट में जा रहे हैं उतने ही माइनस क्यू लेफ्ट में जा रहे हैं तो टोटल चार्ज हमारे कितने हो जाएंगे, जीरो। नो चार्ज इज फ्लोइंग मीन्स नो करंट। ठीक है, अब मान लो कि इसका आंसर आपको पॉजिटिव मिला, मतलब कि आपका करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और अगर इसका आंसर नेगेटिव मिला तो आपका टोटल करंट होगा नेगेटिव डायरेक्शन में। सो एक्चुअली में करंट क्या है, करंट अगर देखने जाओ ना, करंट आपको तभी मिलेगा जब चार्ज पार्टिकल्स, व्हेन द चार्ज पार्टिकल्स आर मूविंग इन आइदर डायरेक्शन, या तो सारे चार्ज पार्टिकल्स इधर जाएंगे या तो सारे चार्ज पार्टिकल्स इधर जाएंगे तो ही करंट मिलेगा। पांच चार्ज पार्टिकल्स इधर और पांच चार्ज पार्टिकल्स इधर जाएंगे तो आपको करंट नहीं मिलेगा। समझ में आया? सो नाउ एक्चुअल में व्हाट इज करंट, करंट इज नथिंग बट इट इज अ ट्रेन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। मान लो ये एक चार्ज पार्टिकल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे चार्ज पार्टिकल्स की ट्रेन है, और ये ट्रेन कोई पर्टिकुलर सिंगल डायरेक्शन में अगर ट्रैवल करेगी तो आपको मिलेगा करंट। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर ये सारे चार्ज पार्टिकल्स है, क्यू 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 क्यू, ये क्यू लिखे ठीक है ऊपर। नाउ इंपॉर्टेंट इज दैट कि अगर मुझे करंट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सारे चार्ज पार्टिकल्स को एक डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा। करंट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, चार्ज पार्टिकल्स को एक ही डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा। और अगर मुझे करंट नहीं चाहिए तो चार्ज पार्टिकल्स को नहीं ले जाना है। रेडी, सो टू इफ वी नीड करंट, एक ही काम करना है, कुछ भी करके ये चार्ज पार्टिकल्स को एक डायरेक्शन में ले जाओ। बट ये जो है वो इतना इजी नहीं है,
है ना, कुछ प्रोसेस करनी पड़ेगी इस चीज के लिए। चलो तो अब होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। पे अटेंशन। सो हमें क्या करना है, हमारा एक ही टारगेट, टारगेट को याद रखो कि चार्ज पार्टिकल्स को एक डायरेक्शन में ले जाना है। नाउ इन दिस केस व्हाट्स हैपनिंग, माय चार्ज पार्टिकल्स आर मूविंग इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो चार्ज पार्टिकल मूव कब करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कब करेगा, जब उस पर फोर्स अप्लाई होगा। तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कैसे अप्लाई होता है, तो हमें पता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो इस पे फोर्स लगता है। कौन सी डायरेक्शन में लगता है, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा। कितना लगेगा, एफ इजिकल टू क्यू ई फोर्स लगेगा। सो ड्यू टू दिस फोर्स नाउ माई दिस चार्ज पार्टिकल विल स्टार्ट टू मूव इन दिस डायरेक्शन। मतलब अब चार्ज पार्टिकल ने मोशन करना स्टार्ट कर दिया। अगर ऐसे मेरे पास बहुत सारे चार्ज पार्टिकल है और सभी चार्ज पार्टिकल को मैं ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दूं, तो सारे के सारे चार्ज पार्टिकल ऐसे एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, जो कि मेरा टारगेट था कि चार्ज पार्टिकल्स को एक ही डायरेक्शन में ले जाना है। बट ये प्रोसेस के लिए मुझे ये चार्ज पार्टिकल जो है वो फ्री चार्ज पार्टिकल चाहिए। कैसा चाहिए, फ्री चार्ज पार्टिकल चाहिए। नाउ पे अटेंशन, कहां से लाएंगे ये फ्री चार्ज पार्टिकल्स, क्या सभी चार्ज पार्टिकल्स फ्री होते हैं? तो देखो टेक्स्ट बुक में लिखा है कि इन नेचर फ्री चार्ज पार्टिकल्स डू एग्जिस्ट लाइक इन अपर स्टाटा ऑफ एटमोसफियर कॉल्ड द आइनोस्फियर। भाई एटमोसफियर में आइनोस्फियर नाम का एक लेयर है, उसमें मिलते हैं। हाउएवर इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियर आर बाउंड टू ईच अदर एंड दस नो फ्री टू मूव। हाँ ये फ्री चार्ज पार्टिकल्स मिलते हैं, बट कहाँ, एटमोसफियर में मिलते हैं, इसलिए बिजली एटमोसफियर में आराम से हो जाती है ना। बिजली मतलब करंट ही है ना, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर पाते क्योंकि वहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स फ्री है। हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स फ्री नहीं है, हमारे पास मतलब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स है वो, जैसे कि सॉलिड की बात करो, लिक्विड की बात करो, लिक्विड का एक एग्जांपल दिया है बुक में कि पानी में जो है वो एक ग्राम पानी में भी 10^22 मॉलिक्यूल्स हैं। मतलब इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें कितने सारे पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे, बट ये सारे बाउंडेड हैं। खैर हम ये चैप्टर में लिक्विड के बारे में बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे सॉलिड में, सॉलिड में से करंट कैसे पास होता है। अब करंट कंडक्टर में से पास होता है, करंट किस में से पास होता है, कंडक्टर्स में से। तो भाई कंडक्टर्स क्या होता है, सो पे अटेंशन। हमने बचपन में सुना था छोटे स्टैंडर्ड्स में कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स मतलब विच अलाउज टू पास करंट, जिसमें से करंट पास होता है ना उसको कंडक्टर बोलते हैं। बट ये डेफिनेशन सही है बट लोअर स्टैंडर्ड के लिए, हमारे लिए कंडक्टर्स की डेफिनेशन क्या है, चैप्टर वन में मैंने पढ़ाया था, इन विच देर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको कंडक्टर बोलते हैं। तो ये लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे कंडक्टर में, क्योंकि टेक्स्ट में जब आप पहला पैराग्राफ पढ़ोगे तो लिखा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं हमारे पास, लेकिन वो क्या है कि बाउंडेड होते हैं। जैसे कि चलो मान लो कि हमारे पास एक सब्सटेंस है, उसमें न्यूक्लियस होता है,
न्यूक्लियस अगर केमिस्ट्री में पढ़ा हो तो पता होगा न्यूक्लियस में क्या होता है, तो भाई प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। और न्यूक्लियस के अराउंड कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन्स। अलग अलग शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है। आपको एग्जैक्ट सर्कल ही अज्यूम करना है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, ये सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर मोशन करते रहते हैं, आपको एग्जैक्टली सर्कल ही इमेजिन करना है। सो टेक्स्ट बुक में इतना डिटेल में नहीं दिया होगा। अब प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कूलम्बिक फोर्स होता है एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। सो दीज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे बाउंडेड होते हैं? सो हमें तो चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन फ्री कब बोलेंगे कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है? जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी शेल में से निकल के बाहर आ जाएगा तब ये हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रैंडम मोशन करता है। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रैंडम मोशन करता है। मींस क्या होगा? अभी ये रैंडम मोशन नहीं कर रहा, मतलब ये फ्री नहीं है, तो इसको फ्री कैसे करेंगे? सो राइट नाउ दिस इलेक्ट्रॉन, ऑल दिस इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड विथ न्यूक्लियस बाय सम एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड बाय न्यूक्लियस विथ सम एनर्जी। इतनी एनर्जी से बाउंडेड है। अब सेम उतनी ही ऑन एनर्जी बट ऑपोजिट, अगर ये सब नेगेटिव एनर्जी से बाउंडेड है तो मैं उतनी एनर्जी अगर पॉजिटिव दूं, सेम एनर्जी, मान लो ये सब -50 जूल एनर्जी से बाउंडेड है, और अगर मैं इनको +50 जूल एनर्जी दे दूंगा तो ये हो जाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएंगे? ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इतनी एनर्जी मैं कैसे दे सकता हूं? वेरी सिंपल, ये एनर्जी इनको रूम टेम्परेचर से भी मिल जाएगी। ठीक है, मान लो कि मेरे पास ये आयरन पीस है, लोखंड बोलते हैं इसको, आयरन पीस मतलब लोखंड। अब इसको मैं अगर मेरे रूम में डाल दूं, मेरे रूम में रखूं, तो रूम टेम्परेचर से ही उनको इतनी एनर्जी तो मिल ही जाएगी कि भाई ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर दे। रेडी? तो ये एनर्जी कितनी होती है? टेक्स्ट में फॉर्मूला नहीं दिया पर मैं फॉर्मूला देता हूं, E इज इक्वल टू 3/2 kBT, वेर kB इज अ बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी, और T इज योर रूम टेम्परेचर। मान लो आपके रूम का टेम्परेचर है 30, तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करो तो 273 प्लस 30 तो 303 केल्विन, इतना टेम्परेचर हुआ, मतलब टी की वैल्यू मिल गई। ये तो कांस्टेंट है, ये आपको एग्जाम में दिया होगा क्वेश्चन में 3/2, तो आपको एनर्जी मिल जाएगी। तो रूम टेम्परेचर से इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो फ्री हो जाएगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करेगा। तो अब क्या होगा? मान लो कि ये मेरा कंडक्टर है। अब कंडक्टर में ये तो हमने एक एटम ड्रॉ किया, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं। तो ये न्यूक्लियस जो है ना, न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव, ये ऑलवेज फिक्स रहेंगे, ये कभी भी मूव करेंगे नहीं। तो ऐसे तो बहुत सारे एटम्स होते, तो मैंने क्या किया, ये सारे एटम्स ऐसे ड्रॉ कर दिए। और ये ऑलवेज कैसे रहेंगे? फिक्स, ये कभी भी अपनी जगह से मूव नहीं करेंगे। नाउ अंदर क्या मिलेंगे? थोड़े थोड़े आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
रेडी? चलो याद रखो कंडक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वो कंडक्टर है। अब मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है जो रेंडम मोशन करेंगे। मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन को का एग्जाम्पल लेता हूं, मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आया, पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट होकर आया, कोलिजन हुआ, कोलिजन से वो रिबाउंड होगा। रिबाउंड होने के बाद ये उतनी वेलोसिटी से रिबाउंड होगा, मान लो ये इलेक्ट्रॉन 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, टकराया और रिबाउंड भी होगा 5 मीटर पर सेकंड से ही, यहां पे वापिस रिबाउंड हुआ 5 मीटर पर सेकंड से, वापिस रिबाउंड हुआ 5 मीटर पर सेकंड से, यहां से वापिस यहां जाएगा। कोई मोशन फिक्स नहीं होती, कहीं पर भी मूवमेंट करेगा, तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करेंगे। समझ में आया? सो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर परफॉर्मिंग रैंडम मोशन, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर परफॉर्मिंग रैंडम मोशन। तो ये केस में एवरेज वेलोसिटी निकालो, एवरेज वेलोसिटी एट इंस्टेंट। तो एट इंस्टेंट तुम अगर एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। क्यों? क्योंकि जो टाइम पे कोई इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट में गया है तो वही टाइम पे कोई इलेक्ट्रॉन राइट में भी गया होगा, एक की वेलोसिटी माइनस एक की वेलोसिटी प्लस, तो टोटल वेलोसिटी हमारी हो गई जीरो, मतलब नो करंट, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि करंट के लिए सारे चार्ज पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में जाने चाहिए। हम जो सॉलिड की बात करें ना, सॉलिड में करंट नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस करते हैं, पॉजिटिव फिक्स ही रहते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, हमें सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक ही डायरेक्शन में लाना है तो कैसे लाएंगे? तो मैंने तुमको बोला था कि सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक ही डायरेक्शन में लाना है तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो अप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में ही इन पे फोर्स लगेगा और सारे एक डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये जो केस है, ये केस था इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम करेंगे यहां पे प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलो अब मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से लेके यहां पे जा रहा है, अंदर भी जा रहा है, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी इसलिए, ठीक है। और अब मैं थोड़े लेस नंबर्स ड्रॉ करता हूं ताकि खिचड़ी ना हो जाए, और एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन में दे रहा हूं। तो अब क्या होगा कि अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भी चैप्टर वन में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव में से स्टार्ट होके नेगेटिव में जाता है। तो कैसे आया ये इलेक्ट्रिक फील्ड? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी में से आया, ये बैटरी का सिंबल है, एक लाइन बड़ी एक लाइन छोटी, बड़ी लाइन होती है पॉजिटिव टर्मिनल, छोटी होती है नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल में से एक वायर निकला और कंडक्टर में यहां कनेक्ट किया तो यहां पे बहुत सारे पॉजिटिव हो गए, और यहां से नेगेटिव निकला तो यहां पे बहुत सारे नेगेटिव हो गए। तो क्या हो गया, एक बाजू पोटेंशियल ज्यादा हो गया, एक बाजू पोटेंशियल कम हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाता है। तो अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां पे बहुत सारे पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट होते 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 यहां पे आएंगे। ये तो एक इलेक्ट्रॉन है, वैसे सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव की वजह से रिपल्शन होगा और पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, तो अट्रैक्ट होते होते अब सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पे जाएंगे। तो मैंने बोला था कि जब सारे चार्ज पार्टिकल किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें करंट मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा, करंट। तो यहां पे करंट क्यों मिला, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो करंट मिला, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसने अप्लाई किया, बैटरी ने। तो ये पूरी प्रोसेस करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको बोलते हैं बैटरी। बैटरी से ही आपको करंट मिलेगा। अब क्वेश्चन होगा कि भाई बीच में तो बहुत सारे पॉजिटिव थे ना, तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली नहीं जाएंगे, ये पॉजिटिव के साथ टकराते 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 फिर आगे जाएंगे,
बट वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे पर दो तीन थियरी के बाद। राइट, सो यहाँ पे बस हमने यही देखा कि करंट कैसे जनरेट होता है। हमें सॉलिड में कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर्स में से करंट पास करना है। सॉलिड कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही करंट पास करते हैं, और हमारा जो केस है सॉलिड कंडक्टर्स उसमें करंट पास होता है ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो यहाँ पे हमने एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला देखा था I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, बट इसका मीनिंग तो क्या होगा कि हमारे चार्ज इक्वल ही पास हो रहे हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि चार्ज कम ज़्यादा भी पास हो सकते हैं। तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी कितने टाइम में कितने चार्ज पास हुए, हो सकता है कि 5 सेकंड में 10 चार्ज पास हुए हो, नेक्स्ट 5 सेकंड में 10 की जगह 20 भी हो सकते हैं। तो वो केस में हम एवरेज करंट फाइंड करेंगे। ये है करंट जिसको बोलते हैं स्टेडी करंट। अगर टाइम और चार्ज चेंज नहीं होंगे, पहले 5 सेकंड में 10 चार्ज आए, दूसरे 5 सेकंड में भी 10 चार्ज ही बाहर आए, तीसरे में भी 10 ही चार्ज बाहर आए, मतलब हमारे करंट की वैल्यू अगर सेम है तो उसको बोलेंगे स्टेडी करंट। क्या बोलेंगे उसको? स्टेडी करंट। पर चेंज हो रही है तो हमें फाइंड करना पड़ेगा एवरेज करंट, और हमें किसी पर्टिकुलर मोमेंट का करंट फाइंड करना है कि भाई 5वीं सेकंड में कितना करंट पास हो रहा था। तो यहां पे लेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, जो कि हमने 11th स्टैंडर्ड में कंसेप्ट पढ़ा था। तो फॉर्मूला हो जाएगा I इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। चार्ज को टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करोगे तो हमें मिलेगा इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट मतलब किसी पर्टिकुलर सेकंड में कितना करंट है, 5वीं सेकंड में कितना करंट है, 10वीं सेकंड में कितना करंट पास हो रहा था, उसके लिए ये यूज करेंगे। बट ऑल द टर्म्स आर सेम, क्यू बाई टी, क्यू बाई टी एंड क्यू बाई टी। तो यहां तक आपको पढ़ना है। यह है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 95, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 95 में ये थियोरी कंप्लीट होती है हमारी, इलेक्ट्रिक करंट एंड कंडक्टर्स। वहां तक पढ़ना, कल हम ओम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे, ओम्स लॉ बट टुमारो। ठीक है, तो ओम्स लॉ के ऊपर तक की जो लाइन है वहां तक आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और कुछ भी डाउट हो, ये थियोरी इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स अच्छे से पढ़ना है। पेज नंबर 95 पे ये थियोरी कंप्लीट होती है, अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़ो। कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। आपको कोई पर्टिकुलर पैराग्राफ भी समझ में नहीं आ रहा तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, पैराग्राफ को ऐसे ना ब्रैकेट्स कर दो कि सर यहां से लेके यहां तक नहीं समझ में आया, यूं, या फिर अंडरलाइन कर दो कुछ लाइन जो समझ में नहीं आ रही, और उसकी पिक खींच के मुझको व्हाट्सएप पे भेज दो, मैं दूसरे लेक्चर में उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द मैसेज सेक्शन। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।